हेलो एवरीवन, एटीएम शोज पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और एकदम सा टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। आलू का नाश्ता बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप झटपट से चलते फिरते जब चाहे तब बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चाय के साथ आप इसे ज़रूर से बनाकर खाएं, खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए जल्दी से हम इस टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चार उबले हुए और कद्दूकस किए हुए आलू लिए हैं। आलू के हमें इसमें ज़रा भी टुकड़े नहीं रखने हैं, तो इसलिए हम आलू को कद्दूकस करके लेंगे। तो अब इन उबले हुए आलू में हम मिलाएंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही साथ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिला रही हूँ मैं। अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो हरी मिर्च के बिना इसे बनाइए, ताकि बच्चे मज़े से इसे खा पाएँ। अब मैं इसमें एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ। इसकी जगह पर लाल मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं। और इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये इटालियन सीजनिंग, जिसे कि मिक्स पिज़्ज़ा हर्ब्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग भी बोलते हैं। तो ये 2 टीस्पून मैंने डाली है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने ये इस तरह की पिज़्ज़ा सीजनिंग का इस्तेमाल किया है, जो कि मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। अब इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिलाया है इसमें। अब इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए और बाइंडिंग के लिए हम मिलाएंगे चावल का आटा, ये देखिए, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे से इन्हें बाइंडिंग भी मिल जाएगी इसकी। तो ये हम ज़रूरत के अनुसार मिलाएंगे। तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून ये राइस फ्लावर मिला रही हूँ। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे मिला करके एकदम सॉफ्ट डो की तरह तैयार करना है। तो आलू में जितना मॉइस्चर होगा उस अकॉर्डिंग हमें चावल का आटा इसमें मिलाना होगा। तो अगर आगे ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा चावल का आटा इसमें और मिला सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये एकदम डो की तरह तैयार होने लगा है और मैंने इसमें 4 टेबलस्पून चावल का आटा मिलाया है। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे, ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए और जो चावल का आटा है वो भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में तेल को भी गर्म होने के लिए रखा है। तो मीडियम से हल्के से कम आँच पर तेल को गर्म करेंगे। और इधर मैंने इसे अच्छे से मसल कर एकदम स्मूथ बना लिया है और एकदम सॉफ्ट होना चाहिए ये, ज़्यादा हार्ड इसे नहीं रखेंगे। अब बस हम इसमें से छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहें तो शेप इसकी थोड़ी सी बड़ी या छोटी रख सकते हैं। तो मैं इसकी इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स, छोटी छोटी सी गोलियां बना कर रखती जाऊँगी। और अगर हमने इसमें सही से चावल का आटा मिलाया है तो हाथों पर तेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हल्का सा इसे दबाएंगे और फिर इसकी इस तरीके से गोल गोल सी बॉल बनाकर रख लेंगे। अब जो हमारा तेल है ये भी अच्छे से गर्म हो गया है और ये मैंने प्लेट में कुछ पोटैटो राइस बॉल्स बनाकर रख ली हैं। तो ये हम एक एक करके इस गर्म तेल में डालेंगे। और तेल जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इस तरह से इन्हें तेल में डाल देंगे और थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे। और जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम एक चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से इसकी जगह से हिला देंगे और अच्छे से रोटेट करते हुए इन्हें हम फ्राई करेंगे। इन्हें ना तो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही इस तरह से फ्राई करने में टाइम लगता है। तो थोड़ी ही देर में ये इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो हम इसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और कुछ ही सेकेंड्स के बाद ये देखिए, हमारी ये बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो राइस बॉल्स बनकर के तैयार हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे तेल में से और हल्का सा इस तरीके से झाड़ देंगे, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे किचन टिश्यू पर। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना सारा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे एकदम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो फिर ये बाहर से सही से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे। आलू का ये नाश्ता बनाने में जितना आसान है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। इसमें जो हमने इटालियन सीजनिंग मिलाई है उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। और फिर जो प्याज है उसका अपना क्रंच आता है खाते टाइम पर। तो अगर आप चाहें तो इसे बच्चों के लिए, बच्चों के टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं, और चाय के साथ इवनिंग टाइम पर खाने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट नाश्ता है। तो अब बस गर्मा गर्म इन्हें हम सर्व कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है खाने के लिए, जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम टेस्टी है। तो खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है।
इसे आप जरूर से बनाइएगा, बच्चों को बड़ों को सबको ये बहुत पसंद आएगा। और आपने देख लिया है कि बनाना इसे एकदम ही आसान है, तो झटपट से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ईट यमीशस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस क्रिस्पी पोटैटो राइस बॉल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यमीशस।